खबरों की नई पहचान। केनियस के सह प्रायोजक है श्री अर्चना ज्वेलर्स होलमार्क, आपके विश्वास हमारी होलमार्क। एक बार जरूर पधारे श्री अर्चना ज्वेलर्स होलमार्क निरसा बाजार। श्री अर्चना ज्वेलर्स निरसा का आकर्षण ऑफर, हर सोने की खरीदारी पर पाए चांदी का सिक्का बिल्कुल फ्री। जितने ग्राम का सोना उतने ग्राम का चांदी का सिक्का फ्री। यह ऑफर 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक। आज वार्ड 41 के पाथर बंगला प्राथमिक विद्यालय मैदान में जीवन रेखा ट्रस्ट के द्वारा मुफ्त नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जिसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन इन्स मुफ्त में जलान अस्पताल में दिया जाएगा, जिसमें सैकड़ों आम जनता ने चेक करवाया और चिकित्सा शिविर का लाभ उठाया। युवा नेता राकेश सिंह के प्रयास से नेत्र शिविर लगाया गया, जिसमें इस नेत्र शिविर लगाने में जलान अस्पताल के जीवन रेखा ट्रस्ट के सचिव राजीव शर्मा का भी अहम सहयोग रहा। आज जामाडवा तो पाथल बंगला वार्ड नंबर 41 में नेत्र चिकित्सा वाहन आया था और यहाँ के सैकड़ों माता बहने एवं बुजुर्ग ने नेत्र चिकित्सा का जांच करवाया और इसका सभी को लाभ मिला है और आने वाले समय में जिनकी ऑपरेशन की आवश्यकता होगी वो निःशुल्क जलान हॉस्पिटल में जाके करवा सकते हैं। और यहाँ सैकड़ों माता बहने ने चिकित्सा में आज जांच करवाया और जिनकी चश्मे की आवश्यकता थी उन्हें चश्मा दिया गया और बाकी जिन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी वो एशियन जलान जाके करा सकते हैं। और इसमें हम राजीव शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जिन्होंने ऐसे पहल करके हर ग्राम हर वार्ड में जाकर सब इसका लाभ ले सके। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। आज जलान हॉस्पिटल जीवन रेखा ट्रस्ट के द्वारा एक आई फ्री मुफ्त में आई कैंप यहाँ के ग्रामीणों के लिए लगाया गया था, जिनको आँख संबंधित समस्या थी उनके लिए ये मुफ्त इलाज ऑपरेशन लेंस और चेकअप करवाया जा रहा है। ये पाथरमला वार्ड नंबर 41 में लगभग सैकड़ों के संख्या में हमारे ग्रामीण इस चिकित्सा संबंधी जो आज चेकअप कैंप का फायदा उठाए, जिसमें आज उपस्थित पूर्व जिला चैम्बर के अध्यक्ष राजीव शर्मा जी, जो अभी वर्तमान में जीवन रेखा ट्रस्ट के सचिव भी हैं, उनके अहम योगदान सहयोग से ये चेकअप कैंप रखा गया और हम यहाँ के तमाम नागरिक और ग्रामीण को धन्यवाद देते हैं जो आकर अपना ससमय जांच कराएं और जिन्हें भी आगे समस्या होगी जलान हॉस्पिटल जाके सहयोग ले सकते हैं। धन्यवाद राकेश सिंह।